नमस्कार, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम डीटीएच से जुड़े एक बहुत ही अच्छा एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे जो फ्री डीटीएच यूज़ करते हैं, खासकर उनके लिए है और आप सबके लिए भी ये वीडियो है। ये जो आप देख रहे हैं, मेरे पास एक नहर का एक बोर्ड है, SMPS बोर्ड, जो खासकर डीटीएच में रहते हैं। ये जो बोर्ड है, ये पावर सप्लाई बोर्ड है, पावर सप्लाई SMPS है और बहुत ही अच्छा कंपनी है। आप भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप लीजिए, कोई बात नहीं है। इसको दिखाने की यही मकसद है, आपको बाद में पता चल जाएगा कि इसको हम किस लिए दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पास SMPS है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है मार्केट में, 60 रुपये से 65 रुपये में आपको, 60 से 65 रुपये में आपको ये जो SMPS है, DTH का पावर बोर्ड है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक पावर सप्लाई बोर्ड है। मेरे पास एक DTH बॉक्स है जिनका पावर सप्लाई ख़राब हो गया। ज़्यादातर जो DTH बॉक्स होता है उसका पावर सप्लाई ज़्यादा ख़राब होता है। जो पावर सप्लाई यहाँ ख़राब हो गया, हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो रिपेयर करने में इसको जो खर्च आता है वो ज़्यादा नहीं है। मेन जो है इसका जो डायोड होता है वही ख़राब होता है, या जो आप डायोड देख रहे हैं इनमें से ही कुछ ख़राब हो जाता है और वोल्टेज जो है सही तरह से नहीं निकलता है। तो इसको अगर आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो ये तो बहुत ही आसानी से रिपेयर कर देगा, और रिपेयर के चार्जेस जो है वो आपको 150 से 200 रुपये आपके पास से ले लेगा। तो ये बोर्ड अगर आप किसी मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और इसको कवर लगाते हैं तो इसका जो खर्च आता है वो सिर्फ 60 रुपये में हो जाएगा। बहुत आसान है पावर सप्लाई बोर्ड लगाने के लिए। जो AC का मेन वायर है, बस वही दो वायर आपको लगा देना है, और यह एक या दो वायर लगा रहता है। आप पहले देख लीजिएगा कहाँ का वायर जुड़ा हुआ है, वहाँ आप इस तरह से जैसे पहले था वैसे AC का वायर आप लगा दीजिएगा, और उसके बाद जो दूसरा वायर था वो भी आप कनेक्ट कर दीजिएगा। तो आपका जो DTH बॉक्स है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 वायर है। एक है AC का वायर जो मेन पावर सप्लाई से आता है, 230 वोल्ट का आता है, 200 से 230 तक वोल्ट रहता है AC का वायर, वो लगा दिया। और यहाँ एक वायर था वो हमने यहाँ सोल्डर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यही काम है। और ये जो जैक आप देख रहे हैं और इस सॉकेट को हमने यहाँ लगा दिया। तो ये जो है DTH का जो काम है, पावर सप्लाई का जो काम है वो हो गया। आप अगर चाहे तो जो डायोड ख़राब होता है उन डायोड को भी आप मार्केट से ख़रीद के आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही तरह से जानकारी होना चाहिए किस डायोड का कितना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना रहता है, ये आपको जानना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो DTH बॉक्स है ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप भी बहुत ही आसानी से इस तरह से मार्केट से आप जो पावर सप्लाई बोर्ड है, पावर सप्लाई बोर्ड को आप ख़रीद के घर में ही ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान और इजीली ये ठीक हो जाएगा, बहुत मुश्किल का काम नहीं है। थोड़ा सा बस 2 या 3 वायर रहता है, उसको आप जोड़ देना है और पुराने बोर्ड के जगह नए बोर्ड जो है रिप्लेस कर देना है। तो आप इस तरह से आपका जो बॉक्स है वो बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो DTH से जुड़े इसी तरह की और भी अपडेट्स चाहते हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।